Hello students, welcome again. My name is N.K. Tyagi. Students, today we are going to read 5 rules of grammars. हम ग्रामर के आज 5 रूल की बात करने जा रहे हैं. जैसे मैंने टाइटल लिखा है, we have to read some rules of grammar. अब ग्रामर के जो 5 रूल्स है बच्चों, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ. और उनमें से फर्स्ट जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने डेफिनेटली कहने गई, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा है और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस वो चीजों को अच्छे से समझे, अपने आप सेट हो जाएगा. देखिए रूल क्या है, वी ईच के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली हम लोगों ने वी ईच से पहले हम लोग बात करें, हम लोगों ने ईच पढ़ा है. एम आई राइट ना? ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है. क्या होता है? प्रत्येक मतलब वन बाय वन, एक एक करके. हम लोग जानते हैं, हमने कहा प्रत्येक स्टूडेंट आया है, प्रत्येक लड़की आई है, प्रत्येक पर्सन आया है, प्रत्येक स्टूडेंट आया है. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ईच की बात करें, देखिए वी ईच से पहले मैं आप लोग को ईच बता रहा हूं. क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही से हम लोग समझेंगे. देखिए बच्चों, हम लोगों ने कहा ईच स्टूडेंट. और ईच के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात सब जानते हैं, अगर ईच के बाद नाउन आता है तो हमेशा वो सिंगुलर आता है. अगर आप लोगों ने कहा ईच स्टूडेंट्स, तो बच्चे दैट इज अरॉन्ग, उसका कोई मतलब नहीं है. ईच स्टूडेंट हैज ऑब्लिक है. देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, कम टू मीट मी. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है, ईच स्टूडेंट हैज ऑब्लिक है कम टू मीट मी. अब सब लोग कहेंगे कि सर, अगर ईच किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है, और यहां पर देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या कहा है, ईच स्टूडेंट. क्या बना है? ईच स्टूडेंट सब्जेक्ट बन गया है बच्चों. अगर सब्जेक्ट बना है तो ईच हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है. हम लोग सब जानते हैं ईच स्टूडेंट क्या आएगा? हैज. आप हैव का यूज नहीं करेंगे. ईच स्टूडेंट हैज कम टू मीट मी. या मैंने कहा ईच गर्ल इज वेटिंग फॉर मी, ईच बॉय इज डांसिंग. अगर हम ईच को किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें पता है ईच ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है. और ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है. ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल, ईच पेन इज गुड, ईच पेन इज गुड. अब देखिए ईच के बाद मैं पेन्स भी यूज नहीं कर रहा हूं. मैंने ईच के बाद क्या यूज किया? पेन यूज किया है. ईच अगर किसी भी सेंटेंस का ओनली ईच की बात कर रहा हूं, अगर वो सब्जेक्ट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद नाउन भी सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर रहती है. एम राइट? लेकिन देखिएगा, आई एम राइटिंग हेयर सेकेंड सेंटेंस वी ईच. मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस ये है मेरे पास, वी ईच हैव ऑब्लिक हैज. मेरे प्यारे बच्चों, वी ईच हैज ऑब्लिक हैव डन देयर. ये मेरे प्यारे बच्चों इट्स, ये मेरे प्यारे बच्चों हिज वर्क properly. देखिए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे पास जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस मैंने कहा वी ईच. बच्चे मैंने वी ईच को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया है. आज के बाद ध्यान रखिए, वी के साथ, यू कहिए वी के साथ नहीं प्यारे बच्चों, अगर ईच के साथ कोई नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा प्लुरल रहता है. देखिए मैंने कहा वी ईच, तो यहां पर भी वी है ईच के साथ में. और बच्चे हम लोग ये नहीं बोल सकते थे आई ईच, ही ईच, सी ईच. मैंने कहा ईच के साथ अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, और वी प्रोनाउन है, हम सब लोग जानते हैं. एम राइट ना? वी क्या है बच्चों? प्रोनाउन है. तो वी ईच क्या? हैव. बच्चे अगर हैज लगा तो एकदम रो हो जाएगा. हमने कहा वी ईच, हम में से जो प्रत्येक है, हैव डन देयर. अब बच्चे देखिए वी ईच दैट इज अ प्लुरल. मैंने कहा बीच के बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन बात करें. क्या बात करें? नाउन बात करें या मेरे घर बच्चों प्रोनाउन बात करें, आप नाउन यूज करें या प्रोनाउन यूज करें, तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा प्लुरल होगा. क्या होगा? वो प्लुरल होगा. और बच्चे उसके साथ हम यूज भी प्लुरल वर्ब भी करेंगे. देखिए आई हैव रिटन अ कांसेप्ट हियर. मैंने कहा वी ईच के बाद अगर नाउन आता है तो वो भी प्लुरल होगा. वो भी क्या होगा बच्चे? प्लुरल होगा. और प्रोनाउन आता है तो वो भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लुरल होगा. लेकिन और वर्ब भी क्या लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा. लेकिन अगर ईच किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आना है और वर्ब भी सिंगुलर ही आनी है. ईच डॉक्टर इज डूइंग, अगर आपने कहा ईच डॉक्टर आर डूइंग, दैट इज अ रॉन्ग.
इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ईच मिनिस्टर हैज कम, अगर आपने कहा ईच मिनिस्टर हैव कम या फिर ईच मिनिस्टर्स हैव कम, अगर ईच के बाद नाउन आता है या प्रनाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर रहता है और वो सिंगुलर ही वर्ब लेता है। देखिए अगर ईच की बात करें, ईच के साथ, देखिए मैंने क्या कहा है, पहले क्या कहा था यहां पर ईच स्टूडेंट, तो ईच के बाद अगर नाउन आता है तो मैंने क्या कहा वो क्या होगा सिंगुलर होगा, लेकिन ईच से पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई नाउन आता है प्रनाउन आता है तो हमेशा वो क्या होगा प्लुरल होगा। ध्यान दीजिए कंसेप्ट इतना सा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ईच के बाद अगर नाउन आता है तो देखिए ईच के बाद स्टूडेंट नाउन है तो सिंगुलर रखना है और सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, लेकिन ईच से पहले अगर कोई नाउन या प्रनाउन आता है तो हमेशा प्लुरल आएगा और इट टेक्स ऑलवेज प्लुरल वर्ब। कैसे जरा देखते हैं, यहां पर देखिए मैंने क्या कहा वी ईच बच्चे हैव, और देखिए अगर आपने यहां पर इट्स लगाया दैट विल बी रॉन्ग, हिज लगाया दैट विल बी रॉन्ग, क्या लगाएंगे हम लोग वी ईच हैव डन देयर वर्क। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया है, एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं इसको अच्छा समझने के लिए। मैंने कहा द बॉय ऑब्लिक बॉयज ईच, देखिए मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों The boy oblique boys each are oblique is। अब हमें देखना है कि हम लोग आर का यूज करें इस यूज करें shouting at the। एक सेंटेंस और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है each boy oblique boys are oblique is shouting at them। Next sentence each man and each woman How done it properly। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो मैंने बात की है, अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस को द बॉय ईच, अगर आपने कहा द बॉय ईच दैट इज अराउंड, देखिए यहां पर ईच जो है मैंने क्या कहा है, अगर आप देख रहे हैं यहां पर ईच किसकी बात है प्रनाउन की बात है, और मैंने कहा है ईच अगर नाउन और प्रनाउन के बाद आता है तो ईच से पहले जो वर्ड होंगे, यहां पर क्या है द बॉय द बॉयज, अगर आपने कहा द बॉय दैट इज अ रॉन्ग क्या होगा द बॉयज, मैंने कहा ईच से पहले अगर नाउन है तो प्रनाउन तो हमेशा प्लुरल रहेगा द बॉयज ईच, और बच्चे इट टेक्स प्लुरल वर्ब आप लोग इसका यूज करेंगे। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एकदम रॉन्ग है ईच बॉय ऑब्लिक बॉयज, अगर आपने कहा ईच बॉयज दैट इज अ रॉन्ग क्या होगा Each boy, और मेरे प्यारे बच्चों आर नहीं आएगा क्या आएगा इज आएगा। इस कंसेप्ट को लेकर बीच को लेकर दे ईच, देखिए मैंने क्या कहा दे ईच आर डांसिंग, अगर आपने कहा दे ईच इज डांसिंग दैट इज अ रॉन्ग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है, मैंने कहा द स्टूडेंट्स ईच हैव कम टू मी, द स्टूडेंट्स ईच मतलब क्या है, देखिए अगर मैंने कहा ईच मैन, अब ईच के बाद नाउन है, अगर आपने यहां एम ई एन लगाया क्या लगाया आई मीन दैट विल बी रॉन्ग, ईच मैन एंड ईच वुमेन, बच्चे यहां पर भी अगर आपने डब्ल्यू ओ एम ई एन लगाया तो उसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ईच के बाद नाउन आ रहा है तो बच्चे वो हमेशा सिंगुलर रहेगा ईच मैन एंड ईच वुमेन, और यहां पर भी आप हैव नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे हैस लगाएंगे, जानते हो मतलब क्या है वी ईच का मतलब है हम लोग हैं एक साथ, हम लोग सब लोग क्या है वी ईच में हम लोग एक साथ हैं, लेकिन हमने सबने वन बाई वन करके किया, लेकिन किया हम लोगों ने सबने एक साथ किया, ध्यान दीजिएगा वी ईच हमने हम प्रत्येक ने जो काम किया वो एक साथ किया है, तो ध्यान दीजिए, और हमने कहा ईच बॉय तो प्रत्येक लड़का अलग अलग है एक साथ काम नहीं किया, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, तो प्रत्येक लड़का अलग अलग काम कर रहा है लेकिन एक साथ नहीं काम कर रहा है,
बात को समझिए, तो ईच बस इतना सा कंसेप्ट है कि ईच के बाद नाउन आ रहा है तो सिंगुलर रहेगा, और ईच से पहले अगर नाउन आ रहा है तो प्लूरल रहेगा, ये प्रोनाउन आ रहा है ईच से पहले तब भी प्लूरल रहेगा। तो क्या मेरी बात क्लियर? ईच मैन एंड ईच वुमैन, यहां पर भी औरत आदमी अलग अलग है और औरत भी अलग अलग है, और सब एक एक करके हैं, एक साथ नहीं है, एक एक करके हैं, सब ने अपना अपना काम अलग अलग किया है और एक एक करके किया है, वन बाय वन किया है, हैज डन। अगर आपने हैव लगाया दैट इज रॉन्ग, और आप सब जानते हैं यहां पर एन ये नहीं आएगा और यहां पर वेयर में आएगा। तो मुझे बताइए वी ईच का कंसेप्ट शायद मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जितना भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल एकदम सॉलिड पढ़ाऊंगा, बस चीजों को समझना है। तो वी ईच और ईच मैन, ईच बॉय, वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर टू की। किसकी बात करने वाले हैं? रूल नंबर टू की हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं आज आपको पांच रूल तैयार करने वाला हूं, बिल्कुल आसान आसान से कंसेप्ट है जो आप समझेंगे। प्यारे बच्चों, एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है रूल नंबर टू, देखिए मैं किसको लेकर बता रहा हूं। रूल नंबर टू है प्यारे बच्चों लेडी को लेकर। किस कंसेप्ट को लेकर? लेडी, एल ए डी वाई, लेडी सब लोग जानते हैं, हाँ? सिंगल लेडी की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ? देखिए किसकी बात कर रहा हूं, लेडी बॉय। अब क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, हम लेडी का यूज कैसे करते हैं, हम लेडी का यूज कैसे करें? देखिए मेरे पास एक सेंटेंस से हम लोग समझेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड में थोड़ा सा क्या मेरे प्यारे बच्चों, लेडी थोड़ा सा स्मूथ है बोर्ड, तो मार्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहा? लेडी का हम लोग कैसे समझे? देखिए मेरे पास लेडी को लेकर पहला एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर इज इट अ लेडी स्कूल। देखिए मैंने क्या कहा, बोलना क्या चाह रहा हूं ये बात समझ में आ गई। क्या कह रहा हूं कि इज इट अ लेडी स्कूल, क्या ये लेडी का स्कूल है? अब लेडीज स्कूल, देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप लोग यहां सॉरी लेडी है तो क्या अपोस्ट्रोफ एस तो आप लोग को लगाना पड़ेगा। इज इट अ लेडीज स्कूल, हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, लेडी कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करता। किसको डिफाइन नहीं करता? लेडी के लिए कभी भी जेंडर को डिफाइन करने के लिए यूज ना करें। कहीं भी हम लोग कहते हैं दैट इज अ रॉन्ग, मैंने कहा लेडी कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करता। अक्सर हम लोग, मैंने सुना है लोग कहते हैं सीजा लेडी डॉक्टर, सीजा लेडी डॉक्टर, मैंने सुना है सीजा लेडी टीचर, बच्चे मैं सुनता हूं सी इज अ लेडी टेलर, सी इज अ लेडी टेलर, बच्चे सी इज अ लेडी पियोन, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इनका कोई मतलब नहीं है। लेडी कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करेगा, आपको बिल्कुल नहीं यूज करना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सी इज अ वुमेन डॉक्टर, सी इज अ वुमेन डॉक्टर, सी इज अ वुमेन टीचर, बच्चे अगर आपको जेंडर को डिफाइन करना है, सी इज अ लेडी टेलर कभी नहीं होगा, सी इज अ वुमैन क्या टेलर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे यहां पर आपने जो सेंटेंस यूज किया वो क्या था? वो ये था इज इट अ लेडीज स्कूल, मतलब क्या ये लेडीज का स्कूल है? दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट सेंटेंस होगा इज इट अ वुमेन्स, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज अ वुमेन्स स्कूल, इट इज अ वुमेन्स कॉलेज। प्यारे बच्चों राइट सेंटेंस आपको ये लिखना पड़ेगा, मैंने कहा जब भी जेंडर को डिफाइन करना हो, किसको डिफाइन करना हो, जेंडर को डिफाइन करना हो, तो आप यूज नहीं करेंगे किसका, लेडी का। आज के बाद कभी नहीं कहना लेडी पीएम, मेरी बात सुन पा रहे हैं? लेडी डॉक्टर दैट इज अ रॉन्ग, मैं बहुत लोग यूज करते हैं इसका, एकदम गलत है। क्या वुमेन डॉक्टर, लेडी पियोन, बच्चे एकदम रॉन्ग है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने बोला है लेडी पियोन, बच्चे इनका कोई मतलब नहीं होता। राइट क्या होगा? वुमेन पियोन। जरा चीजों को समझिए, लेडी को जेंडर के लिए यूज नहीं किया जाता। लेडी को जेंडर के, अगर हमने कहा ए लेडी इज कमिंग, दैट इज राइट, लेडी एक अपने आप में नाउन है, ए लेडी इज हेयर,
एक औरत यहां पर है, ए लेडी इज देयर, एक औरत वहां पर है, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो लेडी के साथ कभी डॉक्टर, लेडी के साथ टेलर, लेडी के साथ डॉक्टर, पियोन, इनका यूज कभी नहीं करेंगे। लेडी सीएम कभी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वुमेन सीएम। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? छोटे छोटे जो कंसेप्ट मैं आप लोग को बताता हूं वो आप लोग के बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, आप ध्यान रखिएगा। लेट अस सी नेक्स्ट कंसेप्ट, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कंसेप्ट तो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं लेकिन अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे ना तो चीजें समझ में आएगी, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिए जैसे मैं बोलता हूं ना तो प्लीज आप भी मेरी चीजों को सुना करें और उनको बोला करें मेरे साथ साथ, लिखा करें बोला करें, तभी चीजें क्लियर होती हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी चीजें क्लियर नहीं होती। थर्ड जो रूल है उसको अगर आपने ध्यान समझा तो आज के बाद आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा चीजों को देखने का। देखिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे पास एक सेंटेंस है, थ्री थ्री इडियट्स। आप लोग ही मुझे बताएंगे, बताइए बच्चों क्या लगाए? थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर, हम लोग यहां पर क्या लगाना चाहेंगे? थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर। अब कुछ लोग कहेंगे सर इडियट्स है और वो भी थ्री है तो आर ही आना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट्स अ नाइस मूवी। एक सेकेंड सेंटेंस और देखते हैं, यहीं पर मैंने कहा थ्री इडियट्स इज ऑब्लिक आर कमिंग टू मी, तीन पागल मेरे पास आ रहे हैं भाई, कितने पागल, तीन पागल मेरे पास आ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में थ्री इडियट्स और आगे हमने वो क्या पढ़ा, इज अ नाइस मूवी, यहां पर आप इजी लगाएंगे यार का कोई मतलब नहीं है, पर देखिए थ्री इडियट्स दीज आर काउंटेबल, कितने इडियट्स है, तीन है, अगर यहां पर इज लगाया तो इज रॉन्ग, क्या होगा? इसी के कंसेप्ट में आप लोग को एक पॉइंट और बता रहा हूं, जैसे हम लोग कहते हैं राइस एंड करी, राइस एंड करी, चीजों को समझना होगा, राइस एंड करी क्या है, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट फूड। अब बच्चे यहां पर सब लोग समझ गए होंगे क्या यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस है राइस एंड करी, राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर सॉल्ट है। अब बच्चे मैंने कहा है चीजों को आपको रटना है, चीजों को समझना है, अगर आप चीजों को समझ पाए, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, क्योंकि ब्रेड के ऊपर बटर ही लगाकर खाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, या कोई हम पहले ऐसे क्या करता है, पहले कोई ब्रेड खा जाता है फिर बाद में बटर खाता है, ऐसा करते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड बटर मेरा क्या है, फेवरेट फूड है, और ब्रेड बटर मेरा फेवरेट फूड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रेड बटर इज माय फेवरेट फूड, क्योंकि ब्रेड के ऊपर बटर अगर खाया तो पूरा एक यूनिट बन गया ना। वैसे तो है नहीं, पहले ब्रेड खा जाते हैं बाद में बटर खाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर मैं तो ऐसे ही करता हूं। अब भैया लेकिन खाने का तरीका क्या है, देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि ब्रेड बटर मेरा एक फेवरेट फूड है, फेवरेट फूड है मतलब मैं ब्रेड के साथ बटर ही खाता हूं, ऐसा तो है नहीं पहले बटर खत्म कर देता हूं बाद में ब्रेड खाता हूं। तो हम लोगों ने पूरा एक यूनिट बना लिया है कि ब्रेड बटर मेरा क्या है, फेवरेट फूड है, तो बच्चे क्या कहेंगे, ब्रेड बटर इज माय फेवरेट फूड। और हमने कहा भाई ब्रेड बटर इस शॉप पर मिलता है, इस दुकान पर ब्रेड बटर मिलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, क्योंकि कोई ब्रेड ले सकता है कोई बटर ले सकता है, तो चीजों को समझना होगा नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। राइस एंड करी, करी मतलब सब लोग जानते हैं राइस के साथ जो कढ़ी हम लोग खाते हैं, क्या कढ़ी, क्या राइस एंड करी क्या आएगा, मेरा फेवरेट डिश है, तो मिक्स करके खाते हैं ना, तो मुझे बताइए दोनों मिलाकर बच्चों एक यूनिट हुआ या अलग अलग हुआ? राइस एंड करी क्या होगा, मिक्स करके एक पूरा यूनिट बन गया, पूरा एक खाना बन गया है, ऐसा तो है नहीं पहले राइस खत्म कर देते हैं बाद में करी खाते हैं, या पहले मैं चलो मैं तो करी खा लेता हूं बाद में राइस खाऊंगा पेट में जाके मिक्स हो ही जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो राइस एंड करी क्या इज, राइस एंड करी बोली क्या होगा, आर सोल्ड हियर, चीजों को समझना होगा। जो छोटे छोटे पॉइंट देखिए, यहां पर कोई राइस लेने आ सकता है, कोई करी लेने आ सकता है, राइस घर बना लेते हैं करी वहां से ले आते हैं,
तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोई राइस और करी है, जब अलग अलग है तो आर आएगा, और जब मिलकर दोनों एक यूनिट बन गई है, सिमिलर हो गया, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इस यूज करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, और अच्छा पॉइंट है जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं। लेट अस सी मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो चीजें मेरी क्लियर हो रही होंगी। जो छोटे छोटे पॉइंट है मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक बिल्कुल भी ना रुके। बच्चों देखो, इंग्लिश में अगर आप लोगों को बेसिक नहीं आता तो ये आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और प्रॉब्लम होगी तो एग्जाम में फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो लेट अस सी रूल नंबर 5 की बात करने वाले हैं। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है आपका? रूल नंबर 4 किस पढ़ने के लिए हम एक सेंटेंस देते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक माई, ही डज नॉट नॉट लाइक माई इफ्स। देखिए मैं कहता, ही डज नॉट लाइक माई इफ्स एंड बट्स। इसको मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं? मैंने कहा आई डू नॉट लाइक हर इफ्स एंड बट्स, इफ एंड बट्स। मेरी बात को अच्छे से समझे मेरे दोस्तों, मैंने कहा वो पसंद नहीं करता मेरे क्या इफ्स एंड बट्स। इफ्स मतलब जो मैं करता हूं, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मतलब यदि, जैसे मैं कहता हूं उसने मुझे कुछ काम कहा, मैंने कहा यदि ऐसा हो गया तो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, मैंने कहा वो पसंद नहीं करता मेरा ये कहना क्या कि यदि ऐसा हो गया तो। जैसे मैं नाक, हम लोग नाक मारते हैं ना, हमने किसी को कुछ बताया तो वो क्या कहेगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो। देखिए क्या कह रहा है, ही डज नॉट लाइक माय इफ्स। इफ्स मतलब यदि वदि, जो हम लोग एक इंटरप्ट करने के लिए, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए कहते हैं, यदि ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैंने कहा, और आई डू नॉट, मैं पसंद नहीं करता उसका यदि वदि, ये जो हम लोग एक दूसरे के बीच में टांग मारते हैं ना भाई, यदि ऐसा हुआ तो, लेकिन अगर ये हो गया तो, मतलब हमने पहले किसी कुछ बता रहे हैं, सामने वाला कह रहा है अगर, लेकिन ये हुआ तो। तो हम लोग बड़ी कानूनी करते हैं ना दूसरे जब हमें बात बताते हैं। तो देखिए मैंने यहां क्या कहा, इफ का प्रयोग मैंने इफ्स लिखा है। ध्यान दीजिए, हम लोग जनरली बॉय का प्रयोग बॉयज बनाते हैं, गर्ल का प्रयोग गर्ल्स बनाते हैं, टेबल का प्रयोग टेबल्स, लेकिन ध्यान दीजिए इफ का जो प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों वो इफ्स होता है, और बट का जो प्रयोग होगा वो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, बट्स होगा। क्या होगा? बट्स। चीजों को समझिए, मैं देखिए एस कहां लगा रहा हूं ये चीज आपको समझनी होगी। इफ का प्रयोग क्या होगा बच्चों? बट्स होगा। अगर हम बात करें, देखिए सेल का भी प्लग, सेल का भी अगर प्लग होता है तो कहीं ना कहीं वो ये होता है सेल्स, और बच्चे विल का भी जो प्लग होता है वो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, विल्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में देखिए ये लिखा आता है क्या, इफ्स, एग्जाम में तो ये लिखा आ रहा है बट्स, क्या बट्स, एग्जाम में तो ये लिखा आ रहा है सेल्स, एग्जाम में तो लिखा आ रहा है विल्स। बच्चे ये कोई वर्ड नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आई है? आप अपोस्ट्रोफ एस के साथ ही इनका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिए, आई डू नॉट लाइक हर, मुझे, मैं पसंद नहीं करता उसके यदि वदि, ये लेकिन जो टांग मारने की जो उसकी आदत है मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैंने इफ्स को लेकर देखिए, इफ का प्लूरल मैंने अपोस्ट्रोफ एस के साथ बनाया, इफ्स के साथ बनाया, बट का प्लूरल मैंने किसके साथ बनाया, बट्स के साथ, और ऐसे ही विल का प्लूरल क्या होगा, विल्स, और सेल का प्लूरल क्या होगा, सेल्स होगा। आई होप सो नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, चीजें क्लियर हो रही है ना, फिफ्थ रूल, रूल नंबर फिफ्थ की अगर बात करें वो क्या है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा ना जो बोर्ड है वो थोड़ा सा स्मूथ है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा, और कई बार क्या हो जाता है क्योंकि मैं लिख रहा कुछ और थोड़ा सा मार्कर का ना फ्रिक्वेंसी थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है इस समय, मैं देखता हूँ इस प्रॉब्लम को भी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ तो पीछे से आपको बैकग्राउंड में आवाजें आती रहती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, एक्चुअली क्या है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ सब लोग को, ठीक है ना, थोड़ा सा होता है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो कभी कभी थोड़ा सा क्या है बच्चों, थोड़ा सा बाहर जो हम लोग मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ वहां पर थोड़ा सा बाहर कोई अगर जो यहाँ पर एक
गेटकीपर है, तो वो थोड़ा सा कभी वो वॉइस करता है, आपको सीटी की आवाज़ सुनती होगी कभी, थोड़ा सा मेरा बेटा है थोड़ा सा वो थोड़ा सा जो है चिल्लाता है, वो थोड़ा सा साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें ना हों, लेकिन अगर कभी कभी किसी वीडियो में हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट उसके लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ पेपर को लेकर। किसको लेकर? पेपर को लेकर। अब पेपर क्या है, व्हाट इज दैट? रूल नंबर फिफ्थ की बात करें, देखिए पेपर को लेकर मैं बात करने वाला हूं। पेपर सब लोग जानते हैं कागज होता है, लेकिन अगर हम बात करें पेपर बच्चे काउंटेबल भी है, और पेपर मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल की तरह भी। मैं अनकाउंटेबल तो है ही, हम सब लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि और मैं आज तो उसको काउंटेबल की तरह भी यूज करूंगा। पेपर हम सब लोग को पता है वो क्या, अनकाउंटेबल कागज। क्या कागज? कॉपी, पेन, पेंसिल किसकी बनती है? कागज की बनती है। तो हम लोग कहते हैं, अगर आप देखें, मैंने कहा अगर हमें काउंट करना है कागज को, पहली बात तो मैं क्या कह रहा हूं, बुक्स एंड कॉपीज, बुक्स एंड कॉपीज आर मेड बाय पेपर, आर मेड बाय पेपर ऑब्लिक पेपर्स। अगर आपने पेपर्स यूज किया दैट विल बी रॉन्ग। पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। देखिए पेपर कागज, पेपर का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कागज। और पेपर्स का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो पेपर्स तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि जो बुक्स है कॉपीज है वो डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपके 10th 12th के जो कागज है, जो डिग्रीज है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। आज के बाद आप उन्हें बोले पेपर्स। बुक्स एंड कॉपीज आर मेड बाई पेपर। जो और पेपर का मतलब मैंने क्या बताया? कागज। अगर आपको कागज को गिनना है तो आप ऐसे काउंट करें, आई हैव 4 pieces of paper, आई हैव 4 pieces of paper, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता आई हैव 4 papers, क्योंकि बच्चों ये कंसेप्ट मैंने जब अनकाउंटेबल का वीडियो बताया था नाउन के चैप्टर में, मैंने जो अब नाउन की वीडियोस हैं आपके पास मैंने वहां पर ही पढ़ा है। अगर आपको काउंट करना तो मैंने क्या कहा, आई हैव 4 pieces of paper, आई हैव 2 pieces of paper, या फिर हम पेजेस में काउंट करते हैं, आई हैव 4 pages, आई हैव 3 pages, उसको काउंट करना है तो 4 pieces, 6 pieces, 7 pieces, क्योंकि अनकाउंटेबल को काउंट करने की कोई ना कोई यूनिट होती है। लेकिन अब जो मैं लिखने वाला हूं उसको जरा समझिएगा, आई रीड ए पेपर डेली। देखिए मैंने क्या कहा, आई रीड ए पेपर डेली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कागज से थोड़ा ही ना है, सीधा सीधा क्या मतलब कह रहा है कि मैं डेली डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? डेली डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। अब देखिए पेपर का मतलब, पेपर आ गया क्या? अब पेपर आ गया तो मतलब क्या है? न्यूज़पेपर। अब देखिए यहां पेपर से पहले मैंने ए लगाया है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। पेपर होता है कागज, और कागज देखिए मैंने क्या कहा, आई हैव 4 pieces of paper, लेकिन मैंने कहा आई रीड, मैं पढ़ता हूं एक पेपर डेली। पेपर मतलब न्यूज़पेपर, और जब न्यूज़पेपर से पहले आ रहा है तो हम यूज करें, आई हैव 2 newspapers, आई हैव 3 newspapers, या फिर आप कह रहे हैं आई हैव 3 papers, आई हैव 4 papers। लेकिन पेपर का यूज जब न्यूज़पेपर वाली फॉर्म में, तभी पेपर से पहले 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन अगर पेपर का यूज कागज वाली फॉर्म में है तो उससे पहले कभी 1 2 3, क्योंकि वो अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों उससे पहले कभी 1 2 3 4 नहीं आ सकता, उसे फिर आप पीस में ही काउंट करेंगे, 4 pieces, 6 pieces, 7 pieces, 8 pieces। बोलिए मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? आई होप सो बच्चे, आपने पेपर में और पेपर्स में भी डिफरेंस लिया। मैंने कहा पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। आई हैव पेपर्स ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आपने पेपर कहा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, बट अगर आप पेपर बुक्स के जो पेजेस हैं अगर उनको काउंट कर रहे हैं तो आप पीस में काउंट करेंगे, देयर आर 2 pieces of paper, देयर आर 3 pieces of paper, या फिर पेजेस में काउंट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और पेपर का अगर न्यूज पेपर होगा तो आप उससे पहले 1 2 3 4 का यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आई होप सो यू एंजॉयड। कल मिलता हूं सेम टाइम, और बच्चों कल बात करेंगे वोकैब ट्रिक की हम लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं समझ आ रही। जितने लोग देखते हैं ना तो प्लीज यस लिखा करें, बस मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात क्लियर हो रही है। यस सही, अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज वहां पर आप लिख सकते हैं, मैं क्लियर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों।
ओके, थैंक यू वेरी मच।